तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। फ्रेंड, मेरा नाम है हाफिजुर्रहमान और आप देख रहे हैं कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स D304 इस मोबाइल को किस तरह से जो ब्लास्ट करते हैं। तो देखिए, मैं खोल रहा हूँ फ़ोन को मॉडल नंबर दिखाने के लिए। तो ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है। तो ये फ़ोन जो है पूरा डेड है, तो इसे जो हम फ्लैश करके इसको देखेंगे कि ऑन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, हम हमारे कंप्यूटर के पास चल के देख लेते हैं इसको किस तरह से जो ऑन करते हैं। तो देखिए, हम हमारे कंप्यूटर के पास आ गए। अब डाउनलोड में मैंने फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है कंप्रेस में, तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसी नाम का फोल्डर यहाँ पर आपको बना देगा वो। तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने में कुछ टाइम लेता है, तो मैं वीडियो को पूरा जो है डिटेल्स में दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको USB ड्राइवर को आपको अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। तो PC में जैसे इसको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे, आप अपना फ़ोन जो है डिटेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए, हो गया। उसके बाद आपको जो है माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, डिवाइस मैनेजर को ओके करना है। उसके बाद यहाँ का इसको छोटा कर लेना है, तो मैं छोटा कर रहा हूँ। तो जैसे ही छोटा करेंगे, उसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे SP फ्लैश टूल को ओपन करना है, तो ओपन कर रहा हूँ, ओके करना है इसको। इसके बाद यहाँ पे स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करना है। तो डाउनलोड में मैंने कंप्रेस में फार्मवेयर में फाइल होगा, तो देखिए यहाँ पे स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को यहाँ पर ड्राइवर को देख लेना है एक बार। तो मैं इसको साइड कर रहा हूँ, तो इसको भी छोटा कर रहा हूँ मैं, देखिए, तो छोटा कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, आपको डाउनलोड देना है, Ctrl D भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डाउनलोड दे रहा हूँ, या फिर Ctrl D प्रेस करके भी इसको डाउनलोड मोड में ला सकते हैं। तो चलिए, अब जो है फ़ोन को आपको वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके USB को अंदर तो देखिए यहाँ पे इरर शो हो गया, तो ये नहीं हुआ, फिर से जो है फेल बता दिया है। तो हम यार अपग्रेड देंगे, उसके बाद फिर से आप जो है डाउनलोड मोड में इसको देना है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके USB का अंदर डालना है। तो देखिए, फ़ोन हमारा कनेक्ट तो हो गया है। अब देखते हैं जो ये फॉर्मेटिंग करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर तो USB नॉट रिकोनाइज बता रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टॉप दे के इसको USB को डिसकनेक्ट करके स्टॉप देंगे। यहाँ पे देखिए, स्टॉप देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे स्टॉप देना है आपको, तो स्टॉप दे दिया। उसके बाद जो है आप बैटरी को डाल के वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके जो है हम कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड, आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका से करेंगे तो ये फ़ोन जो है आपका 100% फ्लैश हो जाएगा। तो देखिए, ये अब जो है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डाउनलोड दे के। अब वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है। देखते हैं अब होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, अब जो है हमारा फ़ोन जो है ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड देखिए, 1% हो रहा है अभी। इस तरह से 100% होगा, 100%। तो वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा, फुल वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो मैं अभी जो है क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको जो है म्यूज़िक डाल देता हूँ।
रन देखिए 91% हो गया है। अब कुछ ही देर में जो है हमारा फ्लैश जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो डाउनलोड ओके होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड तब तक के लिए आपको वेट करना है। तो ये देखिए डाउनलोड ओके बता दिया। अब जो है आपको क्या करना है, यूएसबी को रिमूव करके अब जो है बैटरी को एक बार खोल के फिर से एक बार डाल के ये जो फ़ोन है देखते इसको ऑन करके होता है कि नहीं होता है। तो फ़ोन देखिए ऑन हो गया हमारा। अब देखते इसको होता है कि नहीं होता है। तो बोर्ड भी लिखा आ गया, अब सिर्फ आपको वेट करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। अभी फ्लैश होने के बाद कुछ टाइम लेता है इसको होने में। मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा दिखा रहा हूँ डिटेल्स में कि किस तरह से जो है आप अपने फ़ोन को फ्लैश करते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कट कर रहा हूँ रिफ्रेश करके, ठीक है। तो फ्रेंड आपको जो है अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो देखिए अब जो है आपको यहाँ पे स्किप कर देना है, स्किप स्किप एनीवे देना है आपको। तो सेटअप कर लेना है आपको इस तरह से मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड अब जो है यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको, इंग्लिश चूज़ कर लेना है। मैं पिक्चर को क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट देना है, नो देना है यहाँ पे। तो ये देखिए ये फ़ोन जो है हो गया। अब जो है आपको स्टार हैच IMEI नंबर चेक करना है आपको, स्टार हैच 06 हैच, स्टार हैच 06 हैच। तो ये इनवैलिड है IMEI करके, मैं दिखा रहा हूँ दूसरा वीडियो में।